मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगामी सीबीएसई जो बोर्ड परीक्षा है उसमें यह पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है। पाइथागोरस ने क्या कहा था? पाइथागोरस एक गणितज्ञ था। उसने कहा था कि राइट ट्रायंगल में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड्स। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का सामने का कोण समकोण होता है, या समकोण त्रिभुज में कर्णपर का वर्ग स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये देखिए, बहुत हम सिंपली आपको बताने जा रहे हैं। मान लिया जाए ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, हम ये डिटेल में नहीं एकदम शॉर्ट कट में बता रहे हैं, ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया डियर स्टूडेंट्स। और आपको ये पता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं, ये आपका हाइपोटेनस हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस 90 डिग्री वाले वर्टिक्स से इस पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये ट्रायंगल क्या होगा, दो राइट ट्रायंगल में और बढ़ जाएगा। और इसको आप कोशिश कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 से ही इंडिकेट करने का, क्योंकि अगर आप कोण डी लिखते हैं तो कोण डी में कंबाइंड एंगल्स हो जाता है, यह भी एंगल आता है। सिंप्लीफिकेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में 1, 2, 3 के द्वारा अगर इसको रिप्रेजेंटेड किया जाए तो बहुत बेटर होगा, और ये बोर्ड के परीक्षा से अति महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको साबित करना है क्या, ये बहुत बता रहे हैं शॉर्ट में, टू प्रूफ एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो एक कम से कम सिमिलर करके आपको दिखा देना है डियर स्टूडेंट्स। जैसे मान लिया जाए, प्रूफ में लीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी में, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए आप एबीसी लीजिए, एबीसी देखिए, तो सिमिलर होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर होना अनिवार्य होता है, और दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इन द सेम रेशियो। लेकिन यहां पर हम लोग ए का ही उपयोग कर रहे हैं सिमिलरिटी का। सबसे देखिए, बड़ा ट्रायंगल का कोण बी 90 डिग्री, छोटा ट्रायंगल का कोण 190 डिग्री, ए डी बी का कोण 1 आपका 90 डिग्री है। उसके बाद एक और लीजिए भाई, उसके बाद एक और आप लीजिए कोण 2 जो है एबीसी में भी और एडीबी में भी, एबीसी में भी और एडीबी में भी इंक्लूडेड है, कॉमन एंगल्स हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 2 कॉमन दीजिए, कोण 2 बराबर कोण 2 कॉमन। अब तीसरा लेने की आवश्यकता नहीं है, जब दो कोण बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक रिमेनिंग एंगल बराबर ही होगा। ए से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गए, hence their corresponding side will be same ratio। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जहां ये सिमिलरिटी का सिंबल दिए ये दो प्रॉपर्टी को कैरीज करता है, corresponding एंगल बराबर और their corresponding side will be the same ratio। अब चलिए बड़ा ट्रेंगल का एबीसी का परपेंडिकुलर एबी और छोटा ट्रेंगल का परपेंडिकुलर एडी, और बड़ा ट्रेंगल का हाइपोटेनस, बड़ा ट्रेंगल का हाइपोटेनस एसी और छोटा ट्रेंगल एडीबी का हाइपोटेनस, व्हिच साइड इज द अपोजिट ऑफ द राइट एंगल, दैट साइड इज द कॉल्ड द हाइपोटेनस। एडीबी के लिए हाइपोटेनस आपका एबी है, यहां लिखिए एबी, अब इसको क्रॉस कर दीजिए, अब इसको आप क्रॉस कर दीजिए, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, इसको मान लीजिए फर्स्ट। इस प्रकार से इस ट्रायंगल को लेकर भी करना है, बीसीबी और एबीसी को भी कंपेयर करना है, लेकिन उसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिमिलर बी में लिख सकते हैं,
सिमिलरली। डियर स्टूडेंट्स, एबीसी का बेस बीसी, बीसीडी का बेस सीडी, एबीसी का हाइपोटेनस एसी और ईस्ट एंगल का हाइपोटेनस डियर स्टूडेंट्स फीचर्स साइड इज द अपोजिट ऑफ द राइट एंगल दैट साइड इज द कॉल्ड हाइपोटेनस। राइट दो आपका राइट एंगल है तो दो के ऑपोजिट साइड आपका बीसी है तो बीसी आपका हो गया हाइपोटेनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस कीजिए बीसी का स्क्वायर बराबर एसी इंटू सीडी। एडिंग क्रॉस पेंडिंग साइड डियर स्टूडेंट इसके बाद जोड़ देना है एडिंग क्रॉस पेंडिंग साइड। एडिंग क्रॉस पेंडिंग साइड एलएचएस को एलएचएस में आरएचएस को आरएचएस में एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर एसी इंटू सीडी और एसी इंटू एडी एसी इंटू एडी एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर एसी कॉमन लीजिए सीडी प्लस एडी। डियर स्टूडेंट्स एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर देखिए तो सीडी प्लस एडी सीडी प्लस एडी तो एसी बनेगा और पहले से एसी है एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर। एक बार फिर से और डियर स्टूडेंट शॉर्टकट में देख लिया जाए पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका राइट एंगल जिसका कोण भी 90 डिग्री है। हमने क्या किया कोण बी से एसी पर परपेंडिकुलर डाला या राइट एंगल दो और राइट एंगल में डिवाइड हो गया। सबसे पहले मैंने एक एबीडी और एकेबीसी को लिया और उसको कंपेयर किया कोण बी बराबर कोण वन बड़ा वाले ट्रेंगल में कोण बी 90 डिग्री है छोटा वाला ट्रेंगल में कोण वन 90 डिग्री है और जो कोण टू है दोनों में कॉमन एंगल्स है तो ए ए जब दो एंगल बराबर हो गया तीसरा एंगल बराबर होना स्वाभाविक है ए ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर और कॉन्ग्रेस में बहुत अंतर होता है। अब चलिए देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी सेम रेशियो एबीसी का परपेंडिकुलर एबी एडी एडीबी का परपेंडिकुलर एडी एबीसी का हाइपोटेनस एसी एडीबी का हाइपोटेनस एबी मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक इसी प्रकार मैंने बीसीडी और एबीसी को लिया इसमें सिमिलर दिखाने की आवश्यकता नहीं है इसको डायरेक्ट सिमिलरली आप लिख सकते हैं। चलिए एबीसी का बेस बीसी और बीडीसी का बेस सीडी एबीसी का हाइपोटेनस एसी और बीसीडी का हाइपोटेनस बीसी मैंने